रखो इसे। नहीं शीते, कितना अरसा हो गया तुम्हें ये बात समझाते हुए। ये बेचारी दो जान से अब इसकी मेहनत की कमाई पर इसका भी तो हक है। सारे पैसे तुम रख लेती हो। एक ही बात है शर्मा बाजी। बिल्कुल भी एक बात नहीं है। वो ना असल में मेरे ऊपर कर्जा है। तुम्हारा कर्जा तुम्हारी पहली बीवी की जमीन का है, खुद मेहनत करके उतारो। एक ही बात है जी, हम तो अपने घर में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मिलजुल के। इतना प्यार इस बेचारी को भी दिया करो, इसकी मेहनत की कमाई में से इसको हिस्सा दो, इसका भी हक बनता है। खुद तो कमा कर तुम एक रुपया नहीं देते हो इसको, उल्टा इसके पैसे ले जाते हो सारे। सहमा बाजी, गांव में तो सब लोग अपनी बोटी के माल को अपना माल समझते हैं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो इसकी कमाई खाओ तो इस पे कुछ लगाओ भी। हालत देखो इसकी कितनी कमजोर हो गई है। अगर डिलीवरी में मर गई तो क्या करोगे? मर गई तो दूजी कर लूंगा। हाँ जी, मैं तो खुद यही कहता हूँ उससे कि भाई खाया पिया कर, गोश्त खा, फ्रूट खा, मुर्गी खा, लेकिन खाती नहीं जी। आ जाओ, आ जा, आ जा आराम से। आ, आ जा तेजी से आ। चल भाई काम पे जाना। इसे कैसे चली जाऊं काम पे, मेरी बच्ची बुखार में है। ना जिनके बच्चों को बुखार होता है वो काम छोड़ के बैठ जाते हैं। चल छेती कर वरना फाके पड़ जाएंगे घर में। तू भी तो मरद है, तू जा लाके दे कमा के। बड़ी जुबान चलानी आ गई है तुझे। ये पढ़े लिखे लोग सबकी औरतों को जुबान दराज कर देते हैं। अच्छा चल उठ जा नहीं तो। आती हूँ आती हूँ। और ये क्या, बच्ची को साथ लेके जाएगी तो काम तेरे महके वाले आके करेंगे। सहमा बाजी के पास बहुत दवाइयां हैं, एक से एक डॉक्टर है, वो इसको देखते ही ना फौरन डॉक्टर के पास ले जाएगी। नहीं नहीं, ये बड़ी के पास रहेगी। बड़ी अपने आप को तो खुद संभाल नहीं सकती है, ये रो रो के हलकान हो जाएगी। संभाल लेगी, तू फिक्र न कर। अगर काम करवाना है तो मेरी बच्ची मेरे पास रहेगी। चल अब। हौसला करो, आजकल के दौर में दिल में सुराख होना कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था, बच्चों में इस तरह की बीमारियां हो तो खुद भी ठीक हो जाती हैं। बच्ची ना ठीक हुआ तो अल्लाह पर भरोसा रखोगी तो ठीक हो जाएगी। अल्लाह से अपनी बच्ची की जिंदगी मांगो, इसका इलाज करवाओ। सहम अबा जी, जितना पैसा मेरे पास आता है वो सारा बटोर लेते, कैसे कराऊं इलाज? तुम माँ हो, माँ में बड़ी ताकत होती है। डट जाओ उसके सामने। तुम जो कुछ कमाती हो ना उस पर तुम्हारा हक है। तुम्हारा शौहर आ गया, डट जाओ उसके आगे, जाकर बताओ उसे औरत जो कमाती है उस पर उसका हक है।
चलो उठो, मैंने कहा उठो, चलो उठो। आओ आओ। चलो अस्सलाम वालेकुम जी। सहमा बाजी, वो 4,000 रुपए एडवांस चाहिए था। बाजी आज के बाद सारी तनख्वाह मेरे हाथ में रखना, मुझे मेरी बच्ची का इलाज कराना। दिमाग तो खराब नहीं है तेरा, एक लगाऊंगा। सीधे आवाज नीचे रखकर बात करो वरना पुलिस को बुला लूंगी। अब वो दिमाग थी, औरत जो मेहनत करे उस पर औरत का हक है, और मर्द जो मेहनत करके पैसा कमाए उस पर मर्द का हक है। बन मर्द, कमा के ला के दे। समझ जा, ऐसा ना हो मैं तुझे फारक कर दूं।